रामगढ़ जिला सहित चितरपुर प्रखंड के सभी छठ घाटों में रविवार को ढलते सूरज के साथ महिलाओं ने भगवान सूर्य को अर्घ देकर छठ पूजा किया। इस मौके पर छठ घाट पर मेले जैसा नजारा देखने को मिला। महिलाओं ने सूर्य भगवान से अपने परिवार और पति की दीर्घायु के साथ साथ धन धान्य व जीवन में सुख शांति और समृद्धि की कामना की। शाम को सूर्यास्त के समय छठ घाटों पर स्नान कर सूर्य देव को प्रथम अर्घ देकर पूजा की अर्घ देने के बाद नदी में प्रवाहित किए गए दीपों का विहंगम दृश्य देखते ही बन रहा था। दोपहर बाद से ही चितरपुर शहरी इलाकों से लेकर ग्रामीण इलाकों के श्रद्धालु सिर पर पूजा की सामग्री लेकर नदी की तरफ चल पड़े। लोक आस्था का महापर्व छठ की आज शुरुआत हो चुकी है। लोग सूर्य को आज छठ मनाने अर्घ देने दे रहे हैं। ऐसे में मैं इस वक्त NH23 के मुरुबंदा में हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं हमारे पीछे कई तटवर्ती पूजा अर्चना कर रहे हैं। अभी डूबते सूरज को अर्घ देकर अपने मनोकाम कामना के लिए प्रार्थना करेंगे। वहाँ पे शाम होते होते सैकड़ों श्रद्धालु इकट्ठा हुए। छठ मैया की गीत गाती महिलाओं का समूह मनोहरी छटा बिखेर रहा था। आलम यह था कि तट पर तिल तक रखने की जगह नहीं बची। महिलाएं बेदी पूजन के बाद नदी में सामने खड़ी होकर सूर्य देव के डूबने का इंतजार करने लगी। तत्पश्चात अर्घ देने के बाद महिलाएं अपने घर लौट गईं और सोमवार को यानी कल उगते सूर्य भगवान को अर्घ देकर पूजन विधि को पूरा करेंगी। महिलाओं की आस्था है कि इस पूजा से सूर्य भगवान की असीम कृपा प्राप्त होती है। सूर्य देव की उपासना से धन मनवांछित मनोकामनाओं की और सुख की प्राप्ति होती है। इस मौके पर रजरप्पा थाना अंतर्गत विभिन्न छठ घाटों में सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे। रजरप्पा थाना प्रभारी इंस्पेक्टर विद्या शंकर स्वयं छठ घाटों का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते देखे गए। NH में बैरिकेडिंग लगाया गया था ताकि बड़ी बड़ी वाहनों का प्रवेश ना हो सके और छठ व्रतियों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। न्यूजीलैंड के लिए चितरपुर से सौरभ वर्मा की रिपोर्ट। छठ पूजा हो रहा है दिन से उपवास करना करके माँ छठ पूजा का आराधना कर रहे हैं। मैं सभी को धन्यवाद देती हूँ और माँ छठ माँ से भी मैं आराधना करती हूँ कि आप इसी तरह शुभ मंगल दें और हर मनोकामना। छठ पूजा को लेके क्या इंतजाम है सर? जहाँ जहाँ भी तालाब है नदी किनारे पर जहाँ छठवर्ती श्रद्धालु लोग पूजा करते हैं वहाँ पर बहुत और अवसर की प्रतिनिधि की गई है और तालाब किनारे और नदी किनारे को गोताखोर की भी व्यवस्था प्रशासन के स्तर से की गई है। ये NH23 पर मुरबंदा तालाब के पास हम लोग खड़े हैं और बड़ी गाड़ियों का परिवहन कुछ देर के लिए हम लोग रोक दिए हैं और बाकी सब ठीक ठाक है और बढ़िया से दिख रहा है।